हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ एंट्रैप्ड। और आज मैं बहुत ही टाइम बाद, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत टाइम बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। वीडियोस बनाने का कंटेंट मेरे पास बहुत सारा था, बट इनको कंपाइल करके एक प्रॉपर वीडियो बनाना और एडिट करना, इसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने एक अभी एडिटर हायर किया है, सो आई कैन गिव माई वीडियोज़ टू हिम एंड वो मुझे एडिट करके वापस दे देता है। तो ये सब चीज़ें फालतू की बात बाद में करेंगे। अभी जैसे कि टाइटल में आपने देखा, पंक्चर स्कैम, तो आज मैं आपको पांच ऐसे पंक्चर स्कैम बताने वाला हूँ। इनको देखे बिना अगर आप अपने टायर को लेके जाएंगे पंक्चर वाले के पास, तो आई एम 100% श्योर कि वो आपके साथ स्कैम कर सकता है और करेगा। तो मैं आपको जस्ट पांच बताऊंगा, हो सकता है आपने ये पांच में से कुछ आपके साथ पहले हुए हो, आपको पता हो, आपने किसी ने बताया हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको पांचों के बारे में पता होगा। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है हल्के हाथ से फिलिंग करना, विच मीन्स लाइट हैंडेड फिलिंग। इसमें वो क्या करता है कि ही विल टेक द नोजल, फिलिंग नोजल जो होती है उसको आपके टायर की वॉल पर लगाएगा और बहुत ही हल्के हाथ से उसे प्रेस करेंगे। तो आपको अगर आपको आपको पता होगा, अगर आपने कभी पहले फिलिंग की होगी टायर में कभी, तो आपको पता होगा कि उसको प्रॉपरली प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि जो वॉल्व होती है टायर की उसको प्रेस करना पड़ता है, तभी उसमें हवा आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, हल्के हाथ से करते हैं और हवा बाहर निकलेगी और आपको दिखाएगा कि अरे इसमें से तो हवा जा ही नहीं रही है, इसमें से हवा बाहर निकल रही है। तो आप देखिए यार, ठीक है कितने क्या लगेगा, इसमें क्या खर्चा है, तो वो बोलेगा जस्ट 50 रुपीज़ लगेंगे, वॉल चेंज कर देता हूँ। अगर आपका ट्यूब वाला टायर है तो आई गेस 50 रुपीज़ समथिंग लगेंगे आपका, अगर यह बाइक है तो। अगर आपकी वो गाड़ी है ट्यूबलेस है तो 100 रुपीज़ तो फॉर श्योर वो लेगा ही लेगा उसके, और आपका टाइम और ख़राब करेगा। ही विल रिमूव दी एंटायर टायर, उसके बाद वो उसको लगाएगा, तो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। सो आपके 100 रुपीज़ भी जाएंगे और आपका टाइम भी जाएगा 50 to 100 रुपीज़। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर टू बी श्योर कि हाँ वॉल्व ही ख़राब है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब भी अगर वो आपको बोले कि हवा बाहर निकल रही है, हवा नहीं जा रही, तो आप खुद भी एक बार उसको मेक श्योर, आप खुद भी एक बार प्रेस करें, आप खुद उसको हवा पर भर के देखें, और अगर नहीं जा रही है तब आप आगे बढ़ें। क्योंकि मेरे साथ जब लास्ट टाइम ये हुआ था, मैंने जैसे ही उसको प्रेस किया खुद से तो हवा भरने लग गई। तो अगली बार से आप खुद भी मेक श्योर करें कि प्रॉब्लम टायर में नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाला बंदा भर रहा है जो उसमें। अगर आपको नहीं पता कैसे भरते हैं तो एक बार गूगल करें, यूट्यूब पर बहुत आपको वो मिल जाएगा कि भरना कैसे होता है। सेकंड टाइम कवर, तो जो हमारी टायर की सेकंड जो हमारा ये स्कैम है वो है स्टेम सेल का। तो स्टेम सेल क्या होती है, जो हमारे वॉल्व होती है, वॉल के अंदर एक स्टेम सेल होती है जो अंदर प्रेस होती है। तो ये क्या करते हैं, जो स्टेम होती है उसको एक टूल होता है। ओके, तो ये वो चाबी है, दिस इज़ द टूल, मैं नीचे रख देता हूँ आपको दिखने के लिए। तो ये वो टूल है जिससे इसको वॉल खोलते हैं हम। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर दिस, इसमें से अब हवा निकलने लग रही है। तो अब कोई भी आएगा आपको यही बोलेगा कि इसका इसमें से हवा लीक हो रही है और इसका वॉल ख़राब है। हो सकता है वो इसको और थोड़ा सा हल्का खोले जिससे बहुत ही कम हवा निकलेगी, और वो इस पर थोड़ा सा पानी या सूप लगा के या इस पर थोड़ा सा आपको साबुन वाला पानी लगा के दिखाएगा कि इसमें से बबल्स निकल रहे हैं और आपकी वॉल ख़राब है और आपकी वॉल चेंज करने को बोलेगा। जबकि सिंपल दिस टूल, इससे आप जस्ट इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब बंद हो गई है सामान। आप जब भी अपना टायर आपके पंचर है, आप पंचर वाले के पास लेके जाए, तो मेक श्योर आपका ध्यान उसी पे हो, क्योंकि इतने दो मैंने आपको बताया, अभी दूसरे के बारे में हम बात करें, पर अगले तीन के बारे में अगर आप और सुनेंगे तो आप कभी भी अपना टायर अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे। तो स्टेम सेल के लिए वो जस्ट बोलेगा आपको 10 रुपये लगते हैं। अगर आपकी बाइक है तो बाइक की आई गेस 10 रुपीज़ की चेंज हो जाती है,
वो जस्ट 10 रुपीज़ का बोलेगा, आप भी बोलेंगे कि यार 10 रुपीज़ ठीक है कर दो, 10 रुपीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको नहीं पता कि वो अब क्या करेगा, आपकी स्टेम सेल रिमूव करेगा, दूसरी स्टेम सेल डालेगा, उसके बाद उसी स्टेम को वो अगले पर्सन को जो नेक्स्ट आएगा या फिर जो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएगा उसको भी सेम प्रोसीजर यूज़ करेगा और सेम उसको भी यही बोलेगा कि आपकी स्टेम सेल ख़राब है, उसको फिर चेंज करके अपने पास रख लेगा, देन इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो एक स्टेम सेल को वो हर किसी को देता रहता है, ये चलता रहता है। तो बहुत ही सस्ता बहुत ही सस्ता स्कैम है, बट यस इट इज़ देयर, और आई गेस आपने कभी सुना नहीं होगा। उसके बाद थर्ड जो हम बात करने वाले हैं, थर्ड इज कि पंक्चर टूल होता है। तो इसमें क्या करते हैं, पंक्चर टूल लेते हैं, आपका ध्यान जैसे ही कहीं और गया वो उसी वक्त उसमें एक उसको आपके टायर में 2-3 एक्स्ट्रा पंचर कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि कभी भी साइड वॉल पे आपके आपका टायर है, टायर के साइड वॉल पे अगर कभी पंचर हुआ है तो इसका मतलब किसी ने पर्पसली किया है। टायर की साइड वॉल पे कोई पंचर होता नहीं है, जनरली नहीं होता है, वो कोई करता है तभी होता है। तो वो क्या करेंगे, आपकी टायर पे 2-3 और पंक्चर करेंगे, और जब आप वापस आएंगे अपनी गाड़ी, या मान लीजिए आपने उनको टायर दिया और आप अपनी गाड़ी पार्क करने चले गए और वापस आए, या आपने उनके पास टायर दे दिया कि आपने कहा कि मैं बाद में आता हूँ, तो वो क्या करते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा उसमें पंक्चर होल कर देते हैं। और जहाँ एक पंक्चर की कॉस्ट होती है उसको रिपेयर करने की, तो 50 रुपीज़, तो आप काउंट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा उनके पैसे बनेंगे, गाड़ी के टायर के और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें इजीली दे कैन मेक 250 to 300 आउट ऑफ वन पर्सन, क्योंकि 2-3 एक्स्ट्रा कर दिए तो आराम से उनका पैसा बन जाता है। तो अभी कभी भी आप अपना टायर दें तो मेक श्योर कि आपके सामने ही हो, आप उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें। फोर्थ इज़ एयर लीक फ्रॉम योर बिटवीन रिम होती है, रिम और टायर होता है, तो वहाँ से बीच में से भी कभी कभी हमारी अगर ट्यूबलेस टायर है तो उसके बीच में से भी कभी कभी हवा लीक होती है। तो उसके लिए क्या करता है कि अगर मान वो होता कैसे है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। होता है इस तरीके से, आप जा रहे हैं कहीं पे, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा आया या स्पीड ब्रेकर आया या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन था रोड पर, कुछ भी प्रोट्रूजन थी, तो आपका टायर उससे टकराया, वो इतना इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि टायर और उसके बीच में रिम के बीच में कभी कभी हल्का सा गैप हो जाता है या कुछ डस्ट कुछ मिट्टी धूल मिट्टी अटक जाती है, तो वहाँ से हल्की हल्की हवा निकलती रहती है। तो आपके टायर की हवा निकल जाती है तो आप जाते हैं पंक्चर वाले के पास कि भैया इसमें हवा है, तो अगेन वो क्या करता है, स्टेम चेक करेगा, नहीं है कुछ, अगर आपको नहीं होगा तो अगेन वो यही बोलेगा कि इसकी वॉल्व में प्रॉब्लम है या ये हो गया। अगर आप को पता है वॉल ख़राब नहीं है, आपका ऐसा कुछ नहीं है और पंक्चर भी कोई टायर में पंक्चर नहीं दिख रहा है, तो 100% अगर आपकी वॉल ठीक है और आपका अगर टायर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसमें हवा वो जो पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद जो हवा बिल्कुल निकलते हैं, तो अगर आपका टायर सही है, कोई भी उसके अंदर कुछ भी फिजिकल नहीं दिख रहा है, तो 100% आपकी जो रिम है, रिम और टायर के बीच में से हवा है, वहाँ से कहीं से लीक हो रही है, उसके लिए आप उसको ये बोलें कि टायर को बाहर निकालो, और या तो टायर बाहर निकालो या तो उसी टायर पे ही जस्ट रिम के पास पानी डालेंगे तो वहाँ से लीक पता चल जाता है। अगर वो बोले कि इसका वॉल्स ख़राब है, वॉल चेंज करना है, तो डोंट बाय इट, उसको जस्ट उसको ये बोलना है कि भैया इसको टायर को दोबारा निकालो और दोबारा उसको अपनी दोबारा से उसको प्लेस कर दो टायर को उसकी जगह पर। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आपका टायर फिर से प्रॉब्लम हट जाएगी और आपका टायर में हवा भरने लग जाएगी, नो इशू, कभी लीक नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है टायर किसी गड्ढे में आ जाता है, तो वो हो जाता है, इट्स अ कॉमन इशू। फिफ्थ जो आता है, फिफ्थ आपने बहुत ही आपकी ये तो आपकी नेगलिजेंस की वजह से होता है, फिफ्थ बहुत ही सिंपल सा स्कैम है। आप कभी भी किसी भी ढाबे पर जाएँ, आप कहीं भी अपनी गाड़ी खड़ी करें, मेक श्योर कि वहाँ आस पास कोई ये पंचर की शॉप नहीं है। अगर पंचर की शॉप है तो मेक श्योर आप गाड़ी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी दिख रही है, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप किसी ढाबे, मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि आपने अपनी गाड़ी खड़ी की, आप चले गए अंदर खाना खाने, आप अंदर खाना खा रहे,
जो पंचर वाला है वो अपने किसी लड़के को, छोटे बच्चे को, जनरली ये छोटे बच्चे को यूज़ करते हैं, सो दैट अगर वो पकड़ा भी जाए तो आप उसको कुछ करें ना, या फिर आप उसको पकड़ ना पाएँ, या फिर आप उसको माफ़ कर दें, जो भी है। तो वो क्या करेगा, या तो आपके टायर पे होल्स करेगा, पंचर करेगा उसको, या तो आपकी हवा निकाल देगा। हवा निकालते ही आपको ये लगेगा कि टायर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक खड़ी थी, अभी तक तो कोई इशू नहीं था। आप उसके उसको अगेन पंचर वाले के पास लेके जाएंगे, और पंचर वाले के पास, जो हमने अभी पिछले चार स्कैम डिस्कस किए, तो वो चार स्कैम करने के लिए उसको एक मौका मिल जाता है। तो कभी भी आप अपने गाड़ी को पार्क करें किसी अच्छी जगह पर पार्क करें, जहाँ पर कैमरा हो, जहाँ पर आपको दिख रही हो गाड़ी, या जहाँ पर एक प्रॉपर पार्किंग एरिया है कि वहाँ पर गार्ड है, वो प्रॉपरली देखभाल करने वाला है, देख रेख करने वाला है। हमेशा ऐसी जगह पे ही पार्क करें, तो यू विल बी ऑल गुड। जो भी मैंने ये अभी पांच बताए हैं, मुझे नहीं लगता आज के बाद अगर इन पांचों को अब आप जानते हैं तो आपके साथ कोई स्कैम कर पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने कोई स्कैम मिस कर दिया है तो आप नीचे कमेंट करें ज़रूर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ नया बताया तो उसको भी कमेंट करें, अप्रिशिएट करें। मेरे लिए बहुत अच्छा होगा जितना आप कमेंट करेंगे, लाइक करें, और इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए नए होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता है कि कैसे क्या होता है, और दे यूजली गेट्स क्या। तो अवेयर रहें सराउंडिंग्स के, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। अवेयरनेस इज़ द की। जितना आप अवेयर रहेंगे उतना बेटर है, और जितना इसको शेयर करेंगे, जितनी अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। आपको हर कोई अपना एक्सपीरियंस दिखाएगा, आपको ये दिखाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, ये हुआ, लेकिन आपको ये सब कोई नहीं बताएगा कि क्या क्या होता है। उनके साथ क्या हुआ वो एक चीज़ है, आपके साथ हो सकता है ये दूसरी चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, भले ही आपके 10 रुपये हैं वो, बट आपकी मेहनत की कमाई है, तो उसका ध्यान रखें। एंड थैंक यू फॉर योर, अभी तक आपका सपोर्ट जो भी था। अभी 5K के लिए एम कर रहे हैं, इसके बाद 10K के लिए भी करेंगे, तो 5K सब्सक्राइबर होने वाले। थैंक यू वेरी मच।